सनसनी। एक एमएलए ने पहले करवाया रोड जाम। रास्ता रोका गया था, रास्ता खुलवा दिया गया, उससे गुस्सा होकर फिर से रास्ता रोका गया। उसके बाद एमएलए ने लेडी सिंघम को लगाई फटकार। एमएलए ने लेडी सिंघम को क्यों किया जलील? एमएलए ने क्यों दिया कानून तोड़ने वालों का साथ? यूपी में ऐसे कायम होगा कानून का राज? यदास्तान है एक महिला आईपीएस अफसर की, जिसे लोग कहते हैं लेडी सिंघम। यह दास्तान है एक एमएलए की, जिसके सिर चढ़कर बोल रहा है सत्ता का नशा। यह दास्तान है एमएलए साहब और लेडी सिंघम के टकराव की। जब भी सड़क पर यह टकराव हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और लेडी सिंघम की आंखों में आ गया आंसुओं का सैलाब। निडर, बेखौफ, अपराधियों के लिए काल। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सड़क छाप रोमियो की सबसे बड़ी दुश्मन, ये है महिला आईपीएस ऑफिसर और यूपी पुलिस की लेडी सिंघम के नाम से मशहूर चारू निगम। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखनाथ की सीओ हैं लेडी सिंघम चारू निगम। गोरखपुर में एंटी रोमियो दल की कमान संभालने वाली लेडी सिंघम जब भी शहर की सड़कों और बाजारों में दल बल के साथ निकलती हैं, तो पूरी तरह एक्शन में नजर आता है पुलिस डिपार्टमेंट। मसला चाहे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले रोमियो को सबक सिखाने का हो, या फिर शहर के अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का, आईपीएस ऑफिसर चारू निगम हमेशा अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहती हैं। वो जिस भी रास्ते से गुजरती हैं, गुंडे बदमाश डर के मारे वो इलाका ही छोड़कर भाग जाते हैं। शहर के रोमियो लेडी सिंघम चारू निगम के नाम से कांपते हैं। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। जिस लेडी सिंघम के नाम से बड़े बड़े गुंडे थर्राते हैं, वही लेडी सिंघम बीच सड़क पर रो रही हैं। लोगों की भीड़ के सामने रुमाल से चेहरा छिपाकर अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछ रही हैं। लेकिन क्यों रो रही हैं लेडी सिंघम? कौन है इन आंसुओं का गुनहगार? आखिर ये माजरा क्या है? ये तस्वीरें 15 दिन पुरानी हैं। तब गोरखपुर की इस लेडी सिंघम को जिसने भी रोते देखा था, वही हैरान रह गया था। भीड़ के बीच खड़ी लेडी सिंघम चारू निगम चुपचाप रो रही थी। अवाक लोग देख रहे थे और अपने रुमाल से आंखों से बहते आंसुओं को चारू खामोशी से पोंछ रही थी। जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा था। बड़े बड़े अपराधियों से टक्कर लेने वाली चारू निगम पहली बार यूं रो रही थी। वो किसी से कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। और अब सामने आई है इन बहते आंसुओं की वो कहानी, जिसने पूरे शहर में फैला दी है सनसनी। वो लेडी सिंघम जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी थर्राते हैं, गुंडे मवाली जिसे देखते ही 9-2-11 हो जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू क्यों छलक पड़े? यह पूरी कहानी तफसील से समझने के लिए हमें कैलेंडर का पन्ना पलटना पड़ेगा, मई से अप्रैल में लौटना पड़ेगा, करीब 15 दिन पहले गोरखपुर में हुए एक हंगामे का गवाह बनना पड़ेगा। रास्ता क्यों जाम कर रहे हो? दारू मारे, हाँ, दारू चूहा पाई है। अरे तो हम बात कर रहे हैं ना, किसने बोला आपको रास्ता जाम करने को? किसने बोला रास्ता जाम करने को? ये तस्वीरें भी 15 दिन पुरानी है। तब गोरखपुर में शराब ठेकों के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी। महिलाओं का कहना था कि शराब के उन ठेकों की वजह से उनकी जिंदगी नरक बन गई है। वो किसी भी कीमत पर उन्हें बंद करवाना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया।
लेडी सिंघम चारू निगम को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली वो मौके पर पहुंची। जाम की वजह से पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था और इसलिए चारू निगम ने महिलाओं को समझाते हुए ये आग्रह किया कि वो जाम न लगाएं। रास्ता क्यों जाम कर रहे हो? दारू मारे, हाँ, दारू चूहा पाई है। अरे तो हम बात कर रहे हैं ना, किसने बोला आपको रास्ता जाम करने को? हाँ, किसने बोला रास्ता जाम करने को? साइड में जाओ, साइड में जाओ। लेडी सिंघम शराब के ठेकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं को बार बार यही कह रही थी कि वो जाम ना लगाएं क्योंकि इससे दूसरे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन महिलाएं कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। वो बार बार इलाके के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम लेते हुए ये कह रही थी कि विधायक जी के कहने पर ही उन्होंने ये जाम लगाया है। सुनिए राधा मोहन, हम आपसे बोले हैं सड़क जाम करने के लिए। राधा मोहन अपने बात क्या बोले? सड़क जाम कर गया, हमारी मांग हो दारू बंद हो तो आप लोग काम मना करो। अरे भाई, दारू बंद होगी, दारू बंद होगी, दारू का तपिश चल रही है ना, दारू का तपिश। लेडी सिंघम चारू निगम प्रदर्शनकारी महिलाओं से कह रही थी कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा, लेकिन महिलाएं टस से मस ना हो रही थी। बताया जाता है कि इसी दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस की भिड़ंत हो गई। कुछ महिलाओं ने डंडे से लेडी सिंघम चारू निगम पर वार किया तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारी महिलाओं को खदेड़ डाला। देखते ही देखते जाम टूट गया, शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो गई, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जो होने वाला था उसके बारे में लेडी सिंघम चारू निगम ने कभी सोचा भी ना था। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लेडी सिंघम चारू निगम ने वही एक्शन लिया जो बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए उन्हें जरूरी लगा। उन्होंने जो कुछ भी किया था वो कानून के दायरे में रहकर किया, लेकिन पुलिस एक्शन की खबर जब बीजेपी विधायक तक पहुंची तो तूफान खड़ा हो गया। ये तस्वीरें उन पलों की हैं जब इलाके के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। लेडी सिंघम चारू निगम ने सड़क पर जाम लगाए बैठी प्रदर्शनकारी महिलाओं को जिस तरह से हटाया था, विधायक जी उस बात से नाराज थे। विधायक जी इस बात से खासा नाराज थे। वो मौके पर मौजूद एसडीएम से बातें कर रहे थे और उसी दौरान जब लेडी सिंघम ने अपना पक्ष रखना चाहा तो विधायक साहब बरस पड़े। बीजेपी के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने लेडी सिंघम को एसडीएम के सामने ही खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। बीजेपी विधायक के रौद्र रूप ने वहां मौजूद एसडीएम साहब की जुबान पर ताला जड़ दिया था। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, विधायक जी बरस रहे थे और उनके गुस्से को शांत करने के लिए लेडी सिंघम चारू निगम विनम्रता से अपना पक्ष रख रही थी। मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी सिटी गणेश साहा को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। एसपी सिटी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान अचानक लेडी सिंघम चारू निगम रोने लगी। चारू निगम की आंखों से आंसू झड़ रहे थे और ये देख वहां मौजूद तमाम लोग सन्न रह गए। चारू निगम खामोशी से रो रही थी, अपनी आंखें पोंछ रही थी और ये देख दूसरे पुलिस वाले भी भावुक हो उठे।
लेडी सिंघम चारू निगम थोड़ी देर तक यूं ही रोती रही, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। रुमाल से आंसू पहुंचे और फिर वो वहां से चली गई। क्या आईपीएस अफसर चारू निगम सत्ता के नशे में चूर, बीजेपी विधायक की डांट फटकार से टूट गई। बड़े बड़े अपराधियों को सबक सिखाने वाली लेडी सिंघम आखिर इतनी कमजोर कैसे हो गई कि विधायक की दो चार बात सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। हमने यह सवाल जब लेडी सिंघम चारू निगम से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। रास्ता रोका गया था, रास्ता खुलवा दिया गया, उससे गुस्सा होकर फिर से रास्ता रोका गया। उस दौरान काफी मुझे महिला अधिकारी होने के बावजूद अधिकारी नहीं माना गया, इस तरीके से बात की। पर मैंने उस समय समझा कि जब आदमी तर्कविहीन हो जाता है तो इस तरीके से बात करता है, तो हमने सिर्फ उनको यही बताया आप साइड में होकर ज्ञापन दे दीजिए, रास्ता मत रोकिए, जो सड़क है वो आम नागरिक की है, आप उतना ना कीजिए। बस इतनी सी बात थी। आंखों से आंसू आने की बात यही है, हमारे एसपीसीटी सर आए, आजकल सबको पता है कोई किसी का स्टैंड नहीं लेता है, सर आए बीच में, उन्होंने एकदम से बोला कि आपको सीओ गोरखनाथ की चोट नहीं दिख रही, उतनी सी बात पे मेरा थोड़ा मन भावुक हो गया। ये बात है, सुना आपने चारू निगम क्या कह रही है। चारू का कहना है कि जिस तरह से इनके सीनियर अधिकारी ने विधायक के सामने इनका पक्ष लिया था वो उसी बात पर भावुक हो उठी थी और फिर अनायास ही इनकी आंखों में आंसू आ गए। इस घटना का जिक्र करते हुए चारू ने अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा है, अब आप ये भी देख लीजिए। मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी न समझना, कठोरता से नहीं कोमलता से अश्क छलक गए। महिला अधिकारी हूँ, तुम्हारा गुरूर न देख पाएगा, सच्चाई में है जोर इतना अपना रंग दिखलाएगा। मेरी ट्रेनिंग ने मुझे कमजोर नहीं बनना सिखाया, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि हमारे एसपी गणेश सर सारे बहस को किनारा करते हुए मेरे जख्मों की बात करेंगे। सर के आने से पहले मैं वहां पुलिस की सबसे वरिष्ठ अफसर थी, पर जब से सर पुलिस बल के साथ आके खड़े हो गए तब मैं भावुक हो गई। लेडी सिंघम चारू निगम ने अपने फेसबुक पेज पर जो लिखा है वो कहानी यही कहती है कि वो भावुक हैं लेकिन कमजोर नहीं। लेडी सिंघम का कहना है कि वो बीजेपी विधायक की फटकार पर नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में अपने सीनियर अधिकारी के सपोर्ट पर भावुक हो गई थी, इसलिए आंखें नम हो गई थी। गोरखपुर की लेडी सिंघम चारू निगम के आंसुओं की कहानी ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर रोती हुई महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हो गया है। इसके साथ ही सवालों के घेरे में आ गए हैं बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की फटकार के बाद रोती लेडी सिंघम। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जब से वायरल हुआ है विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी विधायक ने सत्ता के नशे में चूर होकर अपना रौब गांठने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी को जलील किया है, वो भी उस अफसर को जो अपनी मुस्तैदी के लिए मशहूर है। जिस महिला अफसर को लोग लेडी सिंघम के नाम से पुकारते हैं उसे बीजेपी विधायक ने सरेआम क्यों डांटा, ये सवाल जब खुद एमएलए साहब से पूछा गया तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या दलील दी। मैंने तो पुलिस से कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने एसडीएम को सूचना दिया, एसडीएम महोदय आए, हमारी उनकी बातचीत चल रही थी, अच्छे माहौल में चल रही थी। एसडीएम कह रहे थे कि अगर 15 दिन पहले दुकानें बंद हो गई थी तो खुलने का कोई मतलब नहीं है, तब तक वो महोदया अपनी टीम को लेकर आ गई और हमारी और एसडीएम की बात में घुस गई। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है, ये सीनियरिटी के विरुद्ध है। एसडीएम सीओ गोरखनाथ से बहुत बड़ा अधिकारी होता है, अगर एसडीएम और विधायक के रूप में बात हो रही है तो जब तक उनसे पूछा न जाए उनको बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास का कहना है कि लेडी सिंघम आईपीएस अधिकारी चारू निगम के आंसुओं की वजह वो नहीं है, वो तो सिर्फ पुलिस की ज्यादती की कहानी सुनकर मौके पर पहुंचे थे। वो चाहते थे कि एसडीएम इस मामले में कार्रवाई करे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखनाथ की सीओ चारू निगम ने अपने आंसुओं से मामले को दूसरा मोड़ दे दिया। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ कौन है, उनको पता ही नहीं था कि जिससे मेरी बात हो रही है वो एसडीएम है, वो अपने एसडीएम को पहचान तक नहीं रही थी। मैंने उनसे कहा ये एसडीएम साहब है, फिर भी वो बोलने लगी तो मैंने कहा तुम चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हारे नाते ये समस्या खराब हुई है, मैं कतई बात नहीं करूंगा, मैं एसडीएम से बात कर रहा हूँ, एसडीएम से बात करूंगा। कौन सी अपमान है,
मैंने उन्हें छू दिया, मैंने उन्हें ढकेल दिया, मैंने उन्हें गालियां दे दी, मैंने उन्हें अभद्र कुछ कर दिया, कोई इशारा कर दिया, कुछ तो नहीं किया। जिन महिलाओं को मार रही थी वो महिलाएं नहीं थी? जिसे रोने का इतना ही शौक है वो 70 साल की औरत की लाठी पर रो लेती, वो गर्भवती औरत को पेट मार रही थी उस औरत के आंसू पर रो लेती। सुना आपने, बीजेपी MLA डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल कैसी कैसी दलीलें देकर खुद को पाक साफ बता रहे हैं। MLA साहब महिला अफसर के साथ सरेआम की गई अपनी बदजुबानी को भी जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक महिला अधिकारी को सरेआम डांटने का हक उन्हें किसने दिया है? MLA साहब ने जिस ढंग से तेज तर्रार महिला IPS अधिकारी चारू निगम को अपनी ड्यूटी निभाने की सजा दी है, उससे पूरे पुलिस महकमे के मनोबल पर असर पड़ना लाजमी है। शायद इसीलिए UP की IPS एसोसिएशन भी इस मामले में लेडी सिंघम के साथ खड़ी है। एसोसिएशन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है, हाल में पुलिस पर हुए हमलों एवं जनप्रतिनिधियों के अमर्यादित व्यवहार से IPS एसोसिएशन आहत है। कानून को लागू करने के लिए पुलिस शासन का एक प्रमुख अंग है। IPS एसोसिएशन सरकार से मांग करती है कि ऐसे प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए साक्ष्य आधारित कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। यूपी की IPS एसोसिएशन ने महिला अफसर चारू निगम के साथ हुई बदजुबानी के मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि यूपी में कानून का राज स्थापित किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी के MLA ही खुद कानून तोड़ने वालों की हिमायत में खड़े होंगे तो भला पुलिस अधिकारी कानून की हिफाजत कैसे कर पाएंगे? लेडी सिंघम चारू निगम दिल्ली की रहने वाली हैं। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए ही वो IPS बनी। उन्हें करीब से जानने वाले यही कहते हैं कि चारू की जिंदा दिली और ड्यूटी के प्रति ईमानदारी ही उनकी पहचान है। यही वजह है कि IPS एसोसिएशन पूरी मजबूती के साथ इस महिला अफसर के साथ खड़ी है। IPS एसोसिएशन की चिट्ठी के बाद अभी यह मामला शांत नहीं होगा, बल्कि MLA को अपनी बदजुबानी के लिए सरकार के सामने जवाब देना पड़ सकता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीतती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है ABP News, आपको रखे आगे।